कौन सा वेपन पूरी एग्जिस्टेंस खत्म कर सकता है? आखिर क्यों इटर्नल्स को थॉर की हेल्प चाहिए? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 2022 की एक मेजर मूवी थॉर लव एंड थंडर के बारे में। गाइज, आप सभी लोग एक मार्वल मेनियक हो और मार्वल को लेकर काफी ज्यादा नर्डी भी, तो मुझे ये बताएं कि आपके अकॉर्डिंग मार्वल के स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन कौन से हैं जो अब तक दिखाए गए। कमेंट सेक्शन में स्पैम जरूर कर देना। मैंने ये वेपन की बात इसलिए की है क्योंकि थॉर लव एंड थंडर में शायद एक ऐसा वेपन दिखाया जा सकता है जो कि सेलेस्टियल्स को हराने की ताकत रखता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इटर्नल्स मूवी में शोकेस किए गए सबसे प्राइम स्ट्रॉन्गेस्ट बींग सेलेस्टियल्स को हराने का वेपन। अब क्योंकि MCU में इटर्नल्स की एंट्री से सेलेस्टियल्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं, तो थॉर लव एंड थंडर मूवी एक प्राइम एस्पेक्ट हो सकती है इस वेपन के रिविलेशन के लिए कि ये हथियार MCU में एग्जिस्ट करता है। हम बात कर रहे हैं मार्वल कॉमिक्स की एक बहुत ही खास वेपन ओडिन स्वॉर्ड के बारे में। एस्गार्डियन के राजा और थॉर के फादर ओडिन की ये तलवार बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन है, यहाँ तक की म्योनिर से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। कॉमिक्स में ऐसा माना गया है कि इस वोर्ड में इतना ज्यादा पावर पॉजेस करने की ताकत है कि पोटेंशियली पूरी की पूरी एग्जिस्टेंस ही खत्म कर सकती है। और अब जब इटर्नल्स ने अर्थ को सेलेस्टियल्स के खतरे से बचा लिया है, तो कहीं ना कहीं सेलेस्टियल्स उनसे काफी ज्यादा गुस्सा होंगे, जिस वजह से इटर्नल्स को सेलेस्टियल्स का सामना करना पड़ सकता है। और इटर्नल्स के ज्ञानी बाबा फास्टोस अच्छे से जानते हैं कि थॉर के पास ओडिन स्वॉर्ड के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर है, जिस वजह से मे बी थॉर लव एंड थंडर में या तो इटर्नल्स के किसी कैरेक्टर का छोटा सा कैमियो हो सकता है इस स्वॉर्ड से रिलेटेड, या फिर पूरी की पूरी स्वॉर्ड को ही इस मूवी में रिवील कर दिया जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या थॉर लव एंड थंडर में ओडिन स्वॉर्ड दिखाई जाएगी या फिर किसी इटर्नल का माइनर सा कैमियो? इसके बारे में आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।